कैसे आराम। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो सबसे बड़ा सरप्राइज, जो लास्ट वाला होगा सबसे बड़ा सरप्राइज है। तो चलिए देखते हैं। आज हमने एक लैपटॉप परचेस किया हुआ है, ये देखोगे आप, न्यू लैपटॉप जो कि मैंने HP कंपनी के लिया हुआ है। और इसका उपयोग हम में कहाँ आता है और किस लिए लिए हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रोसेसर और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में जान ली जाए। तो मेरे भाई साहब, इसकी मॉडल नंबर आपकी हो जाती है 250G9, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है, अभी 12 जनरेशन की है। साथ साथ इसकी 16 GB जो कि रैम हो जाती है, उसके बाद में 512 SSD हो जाती है और 2 GB ग्राफिक्स के साथ आती है। और इसकी फ्यूचर्स की बात करूँ तो 15 इंच की इसकी पूरी डिस्प्ले हो जाती है और डिस्प्ले शायद हमको 145 डिग्री रोटेशन की खुलती है कुछ इस तरह से। तो मैंने इस पर कुछ स्क्रीन कार्ड, कितने लोग स्क्रीन कार्ड सटवाते हैं कीबोर्ड की, लेकिन हमने कुछ नहीं सटवाए हैं। बेनिफिट और नुकसान इसका ये हो जाता है स्क्रीन कार्ड लगवाने से कि जब भी ये डिस्प्ले फोल्ड होती है तो आपके कुछ स्केचेस इस पर आ जाते हैं, जिसके कारण से हमने इसके कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं लिए। इसको यूज़ करने का बहुत अलग अलग तरीका है और इसमें किस लिए लिया, ताकि हमारा रिपेयरिंग का चैनल है तो मैंने ये किस लिए लिया तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि हालांकि मतलब इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस शायद आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो, बट हम सारी की चीज़ों की प्राइस मैं अपने वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। और जहां तक मैं देखूं तो हमको भाई साहब बहुत ही प्यारा लगता है सिल्वर कलर, जो कि मेटालिक बॉडी में होगा इसका। दूसरा तो कि इसका एक और वेरिएशन आता है जो कि थोड़ी सी इससे लोअर होती है, जो कि आती है फाइबर बॉडी में, लेकिन ये हमको मिली बहुत अच्छा लगा, देखने में लुक अच्छी लगी। साथ साथ इसकी दो आपको USB ड्राइव मिल जाते हैं जो कि कनेक्टिंग के लिए, और ये चार्जिंग पोर्ट हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे SSD जो बड़ी वाली लगती है ये वाली मिल जाती है। दूसरा चीज़ ये सबसे बड़ा लॉस हुआ लैपटॉप से कि एक आप पहले देखते थे CD ड्राइवर देती थी, यहाँ पे पुश करने से CD की लोडर निकल के सामने आती थी, लेकिन वो सारी की सारी लैपटॉप से चली गई है। कारण ये है कि स्लिम और वेट लॉस, यहाँ तक वेट की बात करूँ तो समथिंग हमको लगता है कि अप्रोक्सली उतना तो हम वजन का मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि सब लेकर के 800-850 ग्राम या 1 kg के आसपास हो सकता है, बट एक्चुअल नहीं बता रहे हैं। प्राइस की बात करूँ तो जैसे मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि प्राइस है, मैं लास्ट में बताऊंगा। दूसरा चीज़ ये कि डायरेक्टली हमको यहाँ पे लाइन केबल के ऑप्शन मिल जाती है, जो कि हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हम इसको डायरेक्टली लाइन केबल से जोड़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे HDMI आउटपुट मिल जाती है, जो कि बड़े स्क्रीन और प्रोजेक्टर को देखने के लिए काम में आती है। साथ साथ आपको टाइप सी, आप पूछोगे ये टाइप सी क्या है, तो भाई साहब टाइप सी जोड़ करके आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो ये मेरे को देखने में काफ़ी लाजवाब लगी, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ताकि हमको मतलब इसका यूज़ भी था। तो इसकी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत ही कारीगर है। तो इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, हालांकि ये किस ले लिया ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सबसे लास्ट वाली जो ग्रेजेस्ट है, भाई साहब लाजवाब है और बेहतरीन है, जो कि हमने परचेस किया हुआ है। तो लाओ रे भाई दिखाते हैं और गेस करो कि शायद ये क्या हो सकती है। हालांकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये लैपटॉप हो सकती है, तो ये तो लैपटॉप हो गई, लेकिन आगे क्या है आप लोग थोड़ा सा गेस करो। बस रहने दो भाई, मत गेस करो, हम ही बता देते हैं। लाओ रे भाई दिखाओ। मेरे भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे यूनिक और इम्पोर्टेंट, तो आपको ये रही, अनुमान कर सकते हो और नाम भी देख सकते हो क्या चीज़ है। तो भाई साहब ये है हमारे पास GoPro का Hero 9 Black एक्शन कैमरा, जो कि अपने आप में एक क्या बोले इसको भाई साहब लाजवाब है। तो ये मैंने किस लिए लिया, कौन सा इसका पर्पस है, वो तो आप शायद जानते होंगे, ताकि हमारी ख्वाहिश ये रहती है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एट ए टाइम एक्सपोर्ट पर जा करके, जगह पे पहुंच करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आपको बताना कि भाई साहब कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है टेक्नीशियन लाइन में। तो इसके लिए हमको एक्शन कैमरे की आवश्यकता थी और ये एक्शन कैमरा सबसे सुपर और सबसे ऊपर है। तो भाई साहब इसकी प्राइस की तो बात करूँ तो भाई साहब प्राइस लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले फ्यूचर्स की बात कर लूँ तो आप इसकी कुछ इस तरह की पैकेज आती है, जो कि पुराने जो इसकी मतलब पुराने वाली पैकेज है वो थोड़े से अलग आती थी, लेकिन जब न्यू कंपनी ने इसका ऑपरेटिंग किया तो भाई साहब इसकी पैकेज बदल दी पूरी ही। और इसके साथ जैसे ही हम इस पैकेज को ओपन करते हैं तो भाई साहब इसकी कुछ इस तरह से बॉक्स निकल करके आती है सामने, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन दिखती है। कुछ ब्लैक कलर की केस एक आती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको साइड में रख के थोड़े से डिब्बे पे ही बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपको दिखेगा 24 मंथ की वारंटी, जो कि प्रॉपर 2 साल। और इस साइड आप देखो तो इसके साथ साथ क्या चीज़ मिलती है भाई साहब, एक बोले ना कि ये इसकी जो मैं बात बताऊँ ये टोटली आईफोन की जैसी है, कि भाई हम ओनली फ़ोन देंगे, चार्जर आपको अलग से लेनी पड़ेगी, डाटा केबल आपको अलग से लेना पड़ेगा, ईयरफोन आपको अलग से लेने पड़ेंगे, सारी की सारी मतलब पार्ट्स इसमें अलग अलग आती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप इसके कंपेरिजन में डिजिटेक या अदरवाइज कंपनी ले लेते हो तो भाई जितनी ये वर्क फैसिलिटीज़ देती है,
जितनी अच्छा काम करती है उतना दूसरा नहीं कर पाएगा। तो ये इसके देखो, इसके बॉक्स के साथ ओनली वन एक कैमरा मिलता है, दूसरा एक बैटरी मिलता है, ये आपको दो केस मिल जाते हैं जो कि ओनली चिपकाने के काम आती है। इतना भी आपको नहीं मिलता है कि माउंट भी आप कर सको इसको हेलमेट पे, इतना भी नहीं मिलता, ओनली चिपकाने के लिए मिलता है। उसके बाद में एक डाटा केबल मिल जाती है और उसके बाद में एक ये बैग मिल जाती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। इसके फंक्शन के बारे में वगैरह वगैरह लिखी गई है, जैसे मैं थोड़ी सी आपको फंक्शन के बारे में बता दूं, तो बेस 20 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और सबसे इंटरेस्टिंग, इतनी छोटे होकर के 5K वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। बिलीव नहीं होगा मेरे भाई, हमको भी बिलीव नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसके फ्यूचर्स को देखे तो भाई 5K 30 FPS पर ये वीडियो शूट कर लेती है 5K में। उसके बाद में यहाँ 4K 60 FPS पर कर लेती है और 1080 240 FPS पर कर सकती है। अब आप समझ सकते हो कि भाई इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। दूसरा ये आपको देखिएगा 30 सेकेंड, उसके बाद में आपको ये देखो वॉइस कैंसलेशन यानी कि नॉइस कैंसलेशन, जो आप मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो टाइम में अगर आप कोई अगल बगल से बोल रहे हैं तो उसका ऑडियो नहीं लेगा, बस आपका ऑडियो लेगा। दूसरा चीज़ ये आपकी टाइम वेस्ट, एक आपको टाइमलेस मतलब वीडियो शूट करने का, कितने लोग की शौक ये लगी रहती है कि 1.5 घंटे 2 घंटे कैमरे चालू करके और वीडियो शूट करते रहते हैं, मौसम की मोमेंट को चेक करते रहते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ भी है। उसके बाद में आपको 10 FPS लाइव स्ट्रीमिंग भी करवा सकती है आपको, जो कि फ़ोन में आपको अवेलेबल थी, लेकिन ये पूरी एंड्रॉयड्स है तो आप समझ सकते हो मोबाइल के साथ साथ। उसके बाद में रियूज मतलब इसकी टच स्क्रीन के साथ साथ पूरी फैसिलिटीज़ है, ऑटो फोकस का भी मोड है। तो चलते हैं आगे और इसकी बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकल के आती है। तो ये हमारे पास है बॉक्स जो कि कुछ इस पे नेम लगे रहते हैं GoPro का, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। भाई साहब पैसे बहुत लगे हैं, अगर हाथ से छूटी तो फिर गई। तो ये रही हमारी कुछ बॉक्स खुलते हैं तो आपको ऊपर कुछ इसके यूज़र मैनुअल दिख जाते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं इसको हैंडल करने के लिए। सबसे सर्वप्रथम हमको देखिए एक टाइप सी डाटा केबल जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन क्वालिटीज़ की टाइप सी डाटा केबल हो जाती है जो कि इसको चार्ज करने के लिए होती है। और ये बैटरी इसके अलग से इसका मतलब एक केस आता है जो कि बैटरी को चार्ज करती है, और इसमें नहीं दी गई है बैटरी, आपको इसके अंदर ही डाल करके चार्ज करनी है, नहीं तो आप अलग से खरीदो। भाई समझ सकते हो कि कितनी लापरवाही, कितनी बेइज्जती हो रही है इसको लेने के बाद। तो ये हो गई डाटा केबल, साथ में आपको ये केस मिल जाते हैं जो कि लॉक करने के लिए होते हैं, आपको बस चिपका लो, फंसाने के लिए नहीं देंगे, चिपका लो, चिपको या चिपका लो ये आपकी मर्जी। उसके साथ ये कसने के लिए आपको मिल जाती है इसकी कुछ नट बोल्ट्स जो कि हमको यूज़फुल उतना नहीं लगा बट अच्छा है। अब फाइनल बारी आती है हमको GoPro निकालने की। भाई दिल में एक चोर की धड़कन सी हो रही है कि कहीं हाथ से छूटा तो फिर गया, बट निकालते हैं आगे से। बाबा अरे दादा गई थी रे बाबा, लड़ गई, इसको ऐसे ही करके निकाल लो यार। ये देखो भाई ये बॉक्स, और इसके बॉक्स के नीचे कुछ भी नहीं है, बस इसका एक केस। तो अब इसको रखें साइड में क्योंकि हाथ से फिसली तो फिर गई। और ये छोटे से प्रधान आपको दिखाई दे रहे होंगे GoPro जी। और इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 1720 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी मैंने भी इसकी काफ़ी है बैटरी बैकअप के मामले में। और इसको थोड़ा सा हम बाहर देते हैं तो वेट की बात करूँ तो समथिंग आपको 250 से 300 ग्राम की मिल जाती है। अब देखिए सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं इसका, तो आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको ओनली वन जो कि केस में ऐड करने के लिए, जो कि मैंने आपको कुछ इसका दिया हुआ था जो कि हैंडल करने के लिए, उसमें फंसाने के लिए मिल जाती है। और ये हो जाती है आपकी पावर की बटन एक साइड में, ऊपर आपका रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है। बेनिफिट आपको सबसे बेनिफिट ये चीज़ हमको अच्छी लगी, ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो जैसे हमने बताया आपको कि एक्सपोर्ट पर जाके आपको वीडियो दिखानी है, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन है। आगे के साइड भी एक स्क्रीन मिल जाती है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग किस टाइम पर कर रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए आगे भी स्क्रीन मिल जाती है। भाई साहब सब्र रखो, ऑन करके भी दिखाने वाले हैं। तो उसके बाद में एक पीछे के साइड से एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि पूरी फुल टच स्क्रीन के साथ आती है। साइड में आपको ब्लैक लिखा मिल जाएगा इसका, 9 ब्लैक कैमरा GoPro का। भाई साहब इसकी अभी रेटिंग की बात करूँ तो सबसे एक्स्ट्रा रेटिंग इसी को मिली है ताकि पूरी फुल एंड्रॉयड है। उसके साथ जब इसको मतलब ओपन करते हो तो इसकी बैटरीज यहाँ पर लगे मिल जाती है जो कि कुछ इस क्वालिटीज़ की इसकी बैटरी होती है। और बैटरी की बात करूँ तो भाई साहब देखने में छोटा है लेकिन अगर आप अलग से लेने जाते हो तो भाई साहब 2200 रुपये की आती है। जब हमको दुकानदार ने बताया तो हमको भी बिलीव नहीं हुआ, देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी एक्स्ट्रा है।
उसके साथ बैटरी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड के पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि छोटा आपको यूएसबी ड्राइव मिलता है। और एक चीज़ रिक्वेस्ट ये कि आप इसमें जब भी मेमोरी कार्ड यूज़ करें तो हाई एफपीएस का यूज़ करें, हाई सेकंड मतलब एक आता है आपका 10 मतलब डाटा ट्रांसफ़र जो होता है 60 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन इसका कभी भी आप 140 एमबीपीएस से कम का इसमें मेमोरी कार्ड ना डालें। और इसकी लेंथ की बात करूँ तो एक बार भी इसकी स्टॉक अगर 128 GB डालते हो तो आपकी दिन भर की रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल हो पाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बैटरी इसको इंस्टॉल की जाती है, बैटरी के जस्ट बगल में आपको सी टाइप की मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप चार्ज भी कर सकते हो, साथ साथ इसकी माइक अडेप्टर भी लगा सकते हो। तो ये हमारी GoPro, और इसको थोड़ी सी ऑन करते हैं हम, और ऑन करने के लिए पावर बटन पीछे है, बस इसको हम एक बार प्रेस करते हैं तो हमारी GoPro यहाँ से ऑन आपकी हो जाती है। देखोगे आप टिक टिक टिक, और ये GoPro हमारी ऑन हो गई है। और पीछे आपको क्लियरेंस दिखाई दे रहा होगा इसमें कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी दिखाई दे रही है। भाई साहब देखो कितनी क्लियर और कितनी स्मूथ रूप से ले रही है। दूसरा चीज़ ये कि इसकी स्टेबलाइजेशन देखो आप कितने, हम कैमरे को रोटेट करवा ले लेकिन वीडियो आप दिख रहा होगा कि वीडियो आप थोड़ी सी इसकी मतलब जहाँ पे है वहीं पे इसकी अटकी पड़ी है। इसकी लाइटिंग की बात करूँ तो भाई साहब काफ़ी लाजवाब हमको लगी, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी लाइटिंग कितनी बेहतरीन ले रही है अभी। और दूसरा चीज़ ये कि मैं अभी थोड़ा सा फ्रंट रूम से दिखाऊं तो अभी हमारी कैमरे यहाँ पे चालू है और हमारे भाई साहब अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट हमारी फ्लैश लाइट भी चल रही है, वो भी रिकॉर्डिंग ये ले रही है, और ये हमारे DSLR कैमरा भी अभी ऐड है वो भी ले रहा है। तो भाई साहब ये हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, ताकि आप इस तरह से करके अपना ब्लॉगिंग भी कर सकते हो कि हाँ हम किस लोकेशन पर हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, उस टाइम पर ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जैसे आपको दिखेगा, ये देखो आप हमारे भाई साहब अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरे अभी हमारी फ्लैश लाइट भी चल रही है उस टाइम में। तो इसके फ्यूचर से ये हमको कैमरा काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। और दूसरा चीज़ है कि थोड़ी सी फ्यूचर्स के बारे में बता दूँ तो इसको तीन मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, एक आपका टाइमलेस, एक फ़ोटो। फ़ोटो भी भाई उतना ही बेहतरीन लेता है जितना आप DSLR से भी नहीं ले पाओगे, उतना क्लियर लेंस इसकी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जितना फ़ोन काम नहीं करेगा उतने उससे बेटर काम करता है, बैटरी बैकअप बहुत ही लाजवाब है। दूसरा चीज़ ये आपको मिल जाता है, एक आप DSLR में देखते होंगे कि मतलब GoPro में देखोगे आप, अदरवाइज़ में जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो साइड से एक कर्व सी बन जाती है ऐसे, लेकिन उसका इसमें फैसिलिटीज़ को हटा दिया है। ऐसे आप देखोगे आप इसमें कोई भी कर्व वगैरह नहीं बनी है आपको, और इसका जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ साथ यहाँ से आपको वीडियो के लेंथ में मिल जाती है, जो कि आपको देखने में दिख जाएगा आपका 4K, नीचे आपको 5K, और आपको यहाँ पर 10 FPS, उसके बाद में 2K, 4K, 5K, आपको तीनों मोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ इसकी पूरी फुल एंड्रॉयड होने के साथ साथ यहाँ पे आपको मतलब ऐसे कभी कभी कैमरे में सब ऐसे टेढ़े नहीं हो जाते हैं, उस टाइम में आप देखोगे अभी हमारी वीडियो की लेंथ तो ऐसे हम कैमरे टेढ़े भी कर रहे हैं, इतना ज़ोर से अभी कैमरे को हिला रहे हैं तो भी हमारी सेटअप उतना ही परफेक्ट रूप से काम करे जितने पर हमारी अटकी पड़ी है। आप इसी से समझ सकते हो कि इसकी स्टेबलाइजेशन कितनी तगड़ी है। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ कि आप जैसे ही ऊपर से ओपन करते हो तो ये एंड्रॉयड मोड से आ जाती है। जैसे इसकी फ़ीचर्स बहुत सारे हैं, वेव है, मतलब जितना बताऊं उतना कम है, कनेक्टिंग करने के लिए आपका हो जाता है। उसके साथ साथ ये आपका फ़ोटो मोड हो गया, फ़ोटो में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपकी जैसे आप दूसरा चीज़ ये कि इसको जूम भी कर सकते हो इसमें, यहाँ देखो आप 2X तक इसकी जूम की कैपेसिटीज़ है, आप जितने पे चाहे उतना पे इसको रख सकते हो। दूसरा चीज़ अब ये आपको कि मैं बताते चलूँ कि इसकी प्राइस, दोनों कंपोनेंट मतलब जो दोनों पार्ट्स हमने खरीदे हैं इसके प्राइस, समथिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानकारी रखना, ताकि अगर आप इस चीज़ को सर्च करते हो हमको बताने से बेटर यही होगा कि आप गूगल पे जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में सर्च कर सकते हो कितनी पड़ी। खैर हम बता ही देते हैं, तो हमारी लैपटॉप 45 की है यानी 45,000 की है, और ये आपका GoPro उससे भी महंगा, देखने में एक उंगली में भी मतलब आ जाती है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है। आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा देखिए भाई साहब, काफ़ी लाजवाब, नेक्स्ट लेवल। तो भाई साहब अब प्राइस बता दूँ आपको, तो भाई साहब इसकी प्राइस 49,500, ऑफलाइन हमने इसको लिया 49,500 की हमको पड़ी। अब आगे आप खुद समझ सकते हो कि भाई साहब इसकी प्राइस कितनी है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल्स मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपको देता रहूँगा कि इसकी सेटिंग पूरी फुल एक्सपेरिमेंट के साथ कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड करती है। हालांकि अब जो भी आप एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियो देखोगे, होम सर्विस का वीडियो देखोगे, इन्हीं कैमरे से रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो चलिए आगे मिलते हैं और देखते हैं इसके मतलब कैसे होती है, क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ जय सियाराम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस।